चलो भाई, सुबह हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि भाई थार में हमारे साथ ना कुछ कांड हुआ है, ये टक्कर लग गई थी रेंज रोवर, क्या है बसड़ हम आपको क्लियर करते हैं। सो हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज डे 5 की शुरुआत हो रही है, और जैसा कि डे 4 पे आप लोगों ने देखा होगा अपनी थार का ना डीजल फ्रीज हो गया था, तो आज अपन प्रिकॉशन ले रहे हैं। पहले ही ना रात को एक बारी के लिए इसको स्टार्ट करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, सो दैट कोई दिक्कत ना हो। अभी ब्लैंकेट वगैरह मेरे को एक बार हटाने पड़ेंगे, और आई हैव नो आइडिया कि अभी 5 घंटे के ब्रेक के बाद ये एक सेल्फ में स्टार्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग 7:30 बजे आए थे आज, और अब डायरेक्ट 12:30 बजे अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और तो बस यार, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सुबह प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मुझे पता है हो जाएगी सुबह, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक रिस्क इसके बारे में। देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा ना दिक्कत करने लग गई है, थोड़ी देर में गाड़ी में बैठ जाते हैं, वरना तो हालत टाइट हो जाएगी। हाँ तो घड़ी में टाइम मिला लेते हैं। देखो अभी से देखो जमना चालू हो गया, अभी से देखो कैसे कर रही है आवाज। तो मतलब अभी से ना इसका ऑयल वगैरह जमना चालू हो गया था, ये तो सही टाइम पे आके अपन ने ना कर लिया खेल, वरना काम तमाम हो जाता सुबह। और अभी भाई टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको, -12 हो रहा है ना। तो अभी क्या, देखो नॉर्मल एक बार RPM आ जाए, उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे फिर ऊपर चलेंगे, क्योंकि अभी नॉर्मल RPM नहीं आ रहे हैं। देखो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अपन कोई एक्सेलेरेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे आइडल चलती है ना वैसे ही चल रही है। अभी थोड़ा शिवरिंग हो रहा है, क्योंकि अपन ने जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना, जस्ट पीछे ही ना अपना होम स्टे है। तो अभी इसको 10-15 मिनट वार्म अप करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देखो, आप लोगों को आइडिया मिलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ और किस। तो अभी थोड़ी देर इसको स्टार्ट करेंगे, फिर मैं ऊपर चला जाऊँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड नाइट जी। सो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पीति वैली। अभी टाइम हो रहा है भैया 7:30, अभी चले हैं अपन एक बार कोल्ड स्टार्ट करने। आज विंड नहीं है, आज हवा नहीं चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। हाँ जी आ जाओ आ जाओ। सो बेसिकली क्या है, कल हम जब आए थे 7:30 बजे, उसके बाद मैंने 12:30 बजे स्टार्ट किया था, तो मतलब 6 घंटे के ब्रेक के बाद, तो एक सेल्फ में हो गई थी। और अभी जो टाइम हो रहा है पूरे 7:30, तो मतलब अभी भी इतना ही टाइम हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग ना हो जानी चाहिए। क्या बोलते हो जाएगी, क्योंकि कल रात को मैं स्टार्ट करके गया था। चलो पहले हीटर देंगे। हाँ, ये देख लो पानी के हालात, रात को रखी थी ना तब एकदम सही थी, अब वही जम गई है। सोचो ऑयल की क्या हालात होते होंगे यहाँ पे। चलो अभी 1-2 हीटर और लेते हैं, वैसे तो मैंने 8-9 हीटर तो ले लिए हैं। ओहो क्या बात है भैया, बस वेट करेंगे, क्योंकि ऐसे स्टार्ट तो फिर भी कल हो गई थी है, लेकिन फिर वही थोड़ी देर बाद ना बंद हो गई थी, तो अपन ने सही तरीका अपनाया रात। ये देखो लेकिन कल एक गलती हो गया ना कांड, कुछ तो हुआ है वापस, डीजल इसका फ्रीज हुआ है, बट हो जाएगी अब तो, कोई दिक्कत नहीं है। आने दो अभी डीजल पहुंचेगा ना आगे तक, अभी धूप ना इधर से ही आएगी।
तो अभी अपन कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं, वही कल वाली प्रॉब्लम, डीजल जम गया इसका भी। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब डीजल जम गया, तो टाइम लगेगा थोड़ा इसको मेल्ट होने में, जो तब तक धूप नहीं आती ना, तो इसको ऐसे कैसे खड़ी कर देते हैं। लो भाई आ गई है एकदम चटक धूप, अभी सारी गाड़ियों के कवर उतारेंगे और आज इतनी दिक्कत नहीं रहने वाली, क्योंकि एकदम सही आ रहा है सूरज इधर से। चलो अभी पानी की बॉटल भी ना धूप में रख देते हैं, फुल जमी हुई है। ओ भाई, लो भाई नई थार को फुल तिरपाल विरपाल लगा के पैक किया हुआ था, अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको। कितने ले लिए लीटर? 3 लिए अभी तो। ये हो गई हो गई, 5 लीटर लेने के बाद नीचे भाई आग लगा ही देती है नॉर्मल आरपीएम। तो आज ये वाला काम भी करके ही देख लेते, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। लो भाई आगे भी ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा नीचे, तार वार ना जल जाए। हाँ हमें ध्यान भी देता हूँ इसमें। हाँ मजेदार। अरे महेंद्र जी तबे ठीक है, कौन कौन सी दवाई ले ली तुमने, ये हैं तबे ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं, रेस्ट करो तुम, ठीक है है ना, पानी पीते रहे ना। चलो भाई ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा हो गया नीचे आग लगाए, तो थार में जंप स्टार्ट कर दिया है और बढ़िया धूप लग गई है थार को, तो थार में भी यही समस्या आ रही है, स्टार्ट करने के बाद वापस बंद हो रही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी थार में कोई दिक्कत है, मतलब टेम्परेचर की वजह से हो रहा है भाई। भाई ने तो यहाँ तूफान मचा रखा है मेरे सोनम। चलो अब धूप आ गई ना, तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, डीजल ही जमाए, जैसे जैसे डीजल पिघल रहा है ना देखो देर तक स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब कहाँ के डॉक्टर हो आप बता दो तो। हड्डियों का ऑर्थोपेडिक्स। अरे सर नाइस टू मीट यू। हो गया आरपीएम नॉर्मल आ गया, क्या हुआ क्या हुआ? ये टैंक है इनका। हाँ हाँ नॉर्मल हो गई ना, देखो अब सही हो गया ना, पहले काला धुआं छोड़ रहा था, पहले काला डीजल जमा है इसका, 100% डीजल जमा है। सर आप भी तो डॉक्टर हो? हाँ सर। सर इंट्रोडक्शन तो अपना। मैं डॉक्टर नरेश गोयल जयपुर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन। अच्छा मानसरोवर में अपना खुद का छोटा सा अस्पताल है सर। किस नाम से? डॉक्टर नरेश गोयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। चलो मिले। तो थार अब हो चुकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, डॉक्टर साहब शॉक्ड हो रहे कि हमारा डीजल टैंक पीछे है, और डॉक्टर साहब की पजेरो देखो आवाज। पजेरो के बारे में बताओ, मैं 2 बार कंपनी में लेके गया उसको, बोला कि भाई ऐसा जा रहा है हाँ। तो डीजल पे कोई डालना वाली कोई जरूरत नहीं है हाँ। क्यों हाँ। कि आपका डीजल टैंक ऐसी जगह पे रहे जहाँ हवा पहुँचती नहीं है, और अगर इसमें जम गया ना हाँ। तो सब में जमेगा, तो सब में जमेगा, ये मस्त बना रखा है आपने डॉक्टर साहब तो देखो भैया ये पैशन पैशन की बात है भाई, प्रोफेशन तो डॉक्टर है नहीं भाई। तो आज का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे लोसर, फिर उसके बाद जाएंगे किब्बर में, चीचम ब्रिज वगैरह सारे कवर करके आएंगे, एंड थैंक गॉड भाई अपनी थार है ना ठीक हो गई है। बोला था ना मैंने कि भाई इसको ना धूप जैसे मिलेगी ना और डीजल जैसे इसका मेल्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएगी, अब नॉर्मल हो चुकी है, तो ये चीज़ सीखने को मिली है भाई, ऐसा नहीं है कि परेशानी हो रही है, चीज़ें सीखने को मिल रही है। देखो बाइक से आते ना तो बाइक पे आए थे ना तो क्या होता है, बस उसके इंजन पे आप है ना गर्म पानी डालो, थोड़ी देर उसको नॉर्मल रखो, स्टार्ट हो जाती है, पेट्रोल इंजन आता है, अब ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन के साथ थोड़ी तो प्रॉब्लम रहती है इधर। वो थार में क्या मैटर हो गया, वही कल वाला है, आगे लाओ इसको धूप में खड़ी करो यार, कल भी इसी टाइम पे ना ये ऐसे स्टार्ट हुई थी, अभी इसका ना टेम्परेचर हाफ पे आ जाने तो फिर ही चलेंगे। हाँ अभी तो नॉर्मली आया भाई, अभी तो टाइम लगेगा इसको। चलो अब इस थार में भी अपने भाई लोगों ने ना ध्यान नहीं दिया सुबह, अगर ये थोड़ा सा धूप में लगा देते और इसका डीजल टैंक भी अगर थोड़ा सा आग वाग लगा देते ना तो ठीक रहता मैटर, है ना हुकुम?
थार स्टार्ट हो गई आपकी? अरे थार स्टार्ट हो गई, अभी तो बदनाम कर रहा है नई थार को। प्रॉब्लम पूरी नहीं थार में। हाँ ये बात तो है, ट्रिप पे आने से पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि नई थार में प्रॉब्लम आएगी, बट हो उल्टा ही रहा है भाई। तो ये वीडियो में मैं सारी चीजें इसलिए कवर कर रहा हूँ, रात से इसलिए दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को आइडिया मिले अगर आप लोग ऐसी जगह पे आओ डीजल इंजन आते। लगाओ लगाओ मलेशिया वाली गाड़ी को भी। सबसे ज्यादा दुख मेरे को जब होता कि मेरी थार स्टार्ट नहीं हो रही होती और ये हो जाती। तो सेम, हाँ सेम पेज पे है अपन अभी। कल मेरी मेरी गाड़ी को किसी भी इसने रेंज रोवर ने पीछे से ठोक दिया। हाँ हाँ, तो थार में मेरे वो नट मेरे वो चला गया पूरा, बाकी का बम्पर बम्पर चला गया। हाँ। उसके स्क्रैच भी नहीं आया। अच्छा, दुख इस बात का नहीं है कि मेरा बम्पर टूट गया, देखिए उसके स्क्रैच भी नहीं, स्क्रैच भी नहीं आया। यहाँ पे जो कल जला था ना, मैं अब थोड़ा ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे खली भाई, कैसा लग रहा? हाई एल्टीट्यूड पे आके इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, कैसा लग रहा था? अभी अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा तो मुझको पता है, अभी लग रहा है मुझको, ये बताओ कल कैसा लग रहा था? कल तो बहुत ही बुरा था। पूरा बताओ, कोई नया बंदा देख रहा हो? सोच रहा था कि कहीं कोई बस सुन ले, कोई हेलीकॉप्टर, कोई एयरलिफ्ट कर दे। चलो भाई, टेम्परेचर आ चुका है नॉर्मल, और ये सब करते करते भाई 11:15 हो चुके हैं। आधा दिन तो मतलब यही काम करने में निकल जाता है इधर। कल हम लोग गए थे सीधे, अब ले रहे हैं हम लोग लेफ्ट। तो ये वाला रूट जाता है लोसर और कुंजुम टॉप। तो इस वाले रूट से अपन लोसर होते हुए भी अपन मनाली निकल सकते हैं, लेकिन वो अभी रास्ता बंद होगा क्योंकि स्नो बहुत भयंकर गिरी हुई होगी उधर, विंटर्स में बंद ही रहता है वाला रास्ता। और ऐसा बोलते हैं ये जो स्पीति आते हुए ऐसे जो बीच में ऐसे आपको दिखेंगे ना, इसमें हमेशा लेफ्ट से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के ना रिचुअल्स हैं कुछ, तो हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। जब से आए ना हम लोग ऐसे लेफ्ट से ही ले रहे हैं। ऐसा कुछ व्यू आ रहा है देखो इधर। ओ हो 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 हो, क्या बात है। ओ भाई भाई, ब्रिज देखो और नीचे व्यू, पूरी बर्फ जमी हुई है। अब देखो भाई व्यू शानदार, ताजा ताजा स्नोफॉल हुआ है मुझे लग रहा है इधर। तो ये पैच मस्त लगा मेरे को, अंदर ऑफ रोडिंग करने जा पाते तो मजा ही आ जाता, ड्रिफ्ट विफ्ट पेल लेते बर्फ के अंदर, बट कोई नहीं आते वक्त करेंगे। सो फाइनली मिल गया चांस स्नो के अंदर ड्राइव करने का, चलो भाई स्नो का एक्सपीरियंस लिया जाए। हाय हाय, यही चीज मिसिंग थी और वही हो रही है अब। क्या बात है। अपन चलते हैं अपन डिफरेंट पैच पे, इस वाले पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखो। तो भाई बढ़िया ड्रिफ्ट आ रही है, देखो कैसे टर्न हो के आई अपनी थार। ओ भाई कतई सेक्सी। चलो भाई ये वाला एक्सपीरियंस भी मिल गया, इधर से स्लाइड होते हुए जा रही ना थार, मजा आ रहा है।
आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। अभी दूसरी गाड़ियाँ भी उधर ड्रिफ्ट वगैरह कर रही हैं। चलो, स्नो में चलाने का मज़ा ही अलग है भाई, और स्नो में चलाने को मौका भी मिल गया अपने को। आई एम मोर देन हैप्पी। सो अभी बीच बीच में क्या है, पत्थर है तो थोड़ा गाड़ियों से दूर रखना पड़ेगा। और यहाँ पे डिस्कवरी आतंक मचाते हुए, ओ हो हो, ओ हो हो, मजा आ रहा है मजा आ गया। ये बताओ डिस्कवरी के साथ ड्रिफ्ट करने मजा आ रहा है? खूब मजा आ रहा है। कैसा एक्सपीरियंस आपका डिस्कवरी? बढ़िया है। और स्नो चाहिए? और स्नो चाहिए और ज्यादा। हां जी, हेक्सा कैसी परफॉर्म कर रही है? लिफ्टी मार गई है। यहां पे चल रही है भैया स्नो बैशिंग। वो देखो सामने, ओ भाई, ये है भाई ट्रैक। अपन तो इस पे चढ़ाएंगे 4x2 में। ये जो स्नो वाला पैच दिख रहा है ना, चढ़ेंगे तो मुश्किल ही गड्ढा है भाई। तो भाई चढ़ रही है 2 व्हील पे ही, ब्लैक आइस है पूरी, क्लच प्लेट चली जाएगी, पीछे से हट जाना। हाँ, तो इस वाले पैच पे अपन लगाते हैं एक बार 4 हाई। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस हो चुकी है। 4x4 हाई। ओए होए भाई, कितना फर्क आता है ना भाई, बर्फ में तो चढ़ गए आराम से यार, क्या बात है। ओहो, तो यही चीज मैं ना 2 व्हील पे करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी ऊपर। चलो भाई, ये एक्सपीरियंस मेरे को चाहिए था यार। एक और अटेम्प्ट लेंगे इस वाले पैच पे, क्योंकि क्या देखो चढ़ा तो ली, उतारने का भी होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक लगा के चलो भाई, ऑफ रोडिंग खत्म हो गई है। अभी प्रतीक भी आ रहे हैं तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अभी अपन यहाँ पे इस व्यू के साथ ग्रीन टी के मजे ले रहे हैं। तो इस वाले पैच पे 4x4 लगा के चेक कर लिया है। तो मतलब सेंट का तो एक्सपीरियंस है अपने पास। अब थोड़ी थोड़ी स्नो का भी मिल गया, पूरा ब्लैक का इस वाला पैच था ये। अभी यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर में, फिर आगे निकलेंगे। कब निकाले हम चाय? डालो डालो, हाँ हाँ डालो डालो, चाय माने पिलाओ। चलो भाई, सुबह हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि भाई थार में हमारे साथ ना कुछ कांड हुआ है, यहाँ पे ये टक्कर लगी थी रेंज रोवर से, जिसके हम बात कर रहे हैं। रेंज रोवर थी कौन सी थी? नो, रेंज रोवर थी। ओके, अब पीछे की बात करते हैं। पीछे देखो, इधर आओ, यही तो है आपकी थार। हाँ नहीं, वो ठीक है। अब इसके अंदर हुई क्या है बसड़, हम आपको क्लियर करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है ना कि इन्होंने रात को स्टार्ट करके खड़ी कर दी। अब उसके बाद आगे बताओ क्या हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो पूरे गेट थे वो पूरे, मैंने विंडोज पूरे बंद करके और सो गया। हाँ हाँ, तो अंदर तो गर्म था एनवायरमेंट, बाहर -10 और -15 के आसपास था। हाँ हाँ, तो अचानक रात को पूरा ब्लास्ट हुआ। हाँ, बहुत तेज आवाज आई। हाँ, पूरा नीचे बह गया भाई साहब। अभी तो फिर टेम्परेरी की, तो इसलिए मैं ये चीज दिखाना चाहता था। अगर आप लोग थार से आ रहे तो ये चीज मत करना। तो जिसके टक्कर लगी है ना थार से, वो गाड़ी दिखाते हैं आपको।
अच्छा डिस्कवरी पे, डिस्कवरी पे एक स्क्रेच लेंस, एक स्क्रेच नहीं है इसके की कार। और कहाँ ठोके थे आपने? इसने बैक सीट हो गया, एक ये टूटा है और कुछ नहीं है, स्क्रेच तक नहीं है। भाई साहब मुझे लगा किसी और की गाड़ी थी। नहीं अपनी गाड़ी थी। अच्छा तो किस बात का नहीं है कि मेरा वो टूट गया, बंद है इसके नहीं है। थार भाई, और इसका डेंट देखो तो सही, आगे वो पूरा बम्पर पूरा क्रैक हो गया। और वो आ चुके अपने दो चीते, और ये देखो, ये देखो भाई ये तो भयंकर ही हुआ है यार। ये पता है क्या हुआ है, ये फाइबर पे टच हुआ है, इस पे टच हुआ पूरा। हाँ आ जाओ, अब प्रतियोगिता भी आ गई। ये वाली थार है पूरी रीमैप, अब मचेगी उदम। चलो भाई अभी निकल चुके हैं आगे के लिए, और हम लोग जा रहे हैं लोसर। लोसर यहाँ से 20 या 25 किलोमीटर होगा। और पीछे ना स्नो बैशिंग करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। थोड़ी और स्नो होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, अभी थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्लैक आई सर है बाबा। अरे कहाँ टूटेगा, कितनी मोटी परत है ये, नहीं टूटेगी, बहुत मोटी परत है।